जो दूसरे लोग हैं सरकार में सिस्टम में, वो अपने समाज के लिए अपने लोगों के लिए काम करता है और आपके लिए काम नहीं करता है। जिसके पास पावर है, पैसा है, पैरवी है, वो कितना आगे निकल गया, और आपके पास पावर, पैरवी, पैसा नहीं है, आप कितना पीछे है। जो दूसरे लोग हैं सरकार में सिस्टम में, वो अपने समाज के लिए अपने लोगों के लिए काम करता और आपके लिए काम नहीं करता है। आप गांव में भी देखिए ना, जिसके पास पावर है, पैसा है, पैरवी है, वो कितना आगे निकल गया, और आपके पास पावर, पैरवी, पैसा नहीं है, आप कितना पीछे है। तो हमें पावर के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और ये पावर पैसे से नहीं खरीदा जाता है। इसके लिए लाठी चलाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय में अपने उंगली का सही से इस्तेमाल करना है, अपने उंगली को सही से अपने लोगों के लिए वोट गिराना है। आज हम और हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा ने इस देश में 30 बार वोट गिराया। हर 5 साल में 2 बार वोट गिराना पड़ता है, एक बार विधायक के लिए और एक बार सांसद के लिए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, दूसरे के लिए हमने बटन दबाया। कभी लालू जी मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, और कभी बहन मायावती बनते हैं, और कभी बाबा योगी जी बनते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया कि हमारे वोट से हमारे लोग बनेंगे। आज क्या कहता है, जब मुलायम सिंह जी की सरकार आता है तो हर एक यादव भाई गर्व से कहता है कि ये सरकार मेरा है, और मुलायम सिंह भी कहते हैं कि ये समाज के दम पर हम सरकार बनाए हैं। चाहे बहन मायावती भी हो तो हमेशा कहते हैं दलित भाई को जैसे हम सरकार बनाए हैं। लेकिन कभी आपने मोदी जी को सरकार बना दिया, कभी वो आके बोला कि ये हमारे कश्यप निषाद भाई के दम पर हम सरकार बनाए हैं, नहीं बोलता है। तो आपको अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। आज हमने एक गरीब घर में परिवार में जन्म लिया, 18 साल की उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर में चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी करता था, लेकिन संघर्ष किया, संघर्ष के बदौलत हम अपने मंजिल को हमने प्राप्त किया। और फिर मैंने देखा कि मैं तो काफ़ी आगे निकल चुका हूं, लेकिन ये हमारा समाज काफ़ी पीछे रह गया है। अभी इसके लिए हमें लड़ाई लड़ना चाहिए, और हमने मुंबई छोड़कर बिहार में अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए हमने लड़ाई लड़ा, और लड़ाई लड़ने में बहुत बार मैंने गिरा, लाठी डंडा खाया, जेल में हमारे लोग गए, और चुनाव भी हारे, फिर लड़ाई लड़ते रहे, और एक एक निषाद जो बिहार के हैं सब अपने पैर पे खड़ा हो गया। और हमने 3 साल पहले, सिर्फ मात्र 3 साल पहले 18 में हमने पार्टी बनाया, 18 में हमने पार्टी बनाया, 19 में संघर्ष किए, चुनाव हार गए, 20 में संघर्ष किए, हमारे 4 विधायक बना, और बिहार में आज NDA गठबंधन का मैं हिस्सा हूँ। बिहार में 122 विधायक पे सरकार बनता है, और 122 विधायक में हमारे पास 74, 42, 4 और 4, 4 पार्टी मिला के 125 विधायक हुआ। अगर 4 विधायक को अगर हम दूर कर दें तो 125 में से 4 हट जाएगा तो 121 होगा, और 121 में सरकार नहीं बनेगा, 122 में सरकार बनेगा। तो आज हमने ऐसी लड़ाई लड़ा कि निषाद का बेटा, कश्यप का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बनाया है। आज बिहार का जो सरकार है वह हमारा सरकार है। जितना पावर 74 विधायक वाले के पास है, जितना पावर 42 विधायक वाले के पास है, उतना ही पावर VIP के पास भी है, और हमारी सरकार है। इस देश में पहली बार निषाद मल्ला कश्यप का बेटा मुख्यमंत्री बनाया है, और ये किसका देन है, संपूर्ण बिहार के निषाद का देन है, क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़के 4 विधायक जीता, और उसके दम पर बिहार में सरकार बना है। और आज बिहार में 2.25 लाख करोड़ का बजट है। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। 2.25 लाख करोड़ का बजट है। जब बजट बनाने का समय आता है तो 4 पार्टी बैठते हैं, एक BJP से बैठते हैं, एक JDU से बैठते हैं,
एक वीआईपी से बैठता और एक माझी जी के इधर से बैठते हैं और चार पार्टी मिलकर सोचते हैं कि बिहार को कैसे चलाना है। और वहां पे आपका मल्ला का बेटा, कश्यप का बेटा सोचता है कि नहीं, पूरे बिहार में मछुआरा के लिए मछली बाजार बनना चाहिए, इसके लिए 100 करोड़ रुपया खर्चा करो। पूरे बिहार में मछली पालन के लिए डैम में 200 करोड़ रुपया खर्चा करके यहाँ पे अच्छे से मछली पालन करेगा ताकि निषाद समाज आगे बढ़े, उसके लिए हमने 200 करोड़ रुपया खर्चा किया। हम बिहार में मछली बेचने के लिए चार चक्का गाड़ी देने का निर्णय लिया। सिर्फ 10% पैसा आप भरिए, 90% सरकार भरेगा। यानी कि 5 लाख का गाड़ी है तो सिर्फ 50,000 रुपया आपको भरना है और 90.5 लाख रुपया बिहार सरकार भरेगा। तो आज ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं वहाँ पे पावर में हूँ और सिस्टम में हूँ और हमारे वजह से सरकार बना है। तो ये हमें हमारे समाज ने लड़ाई लड़ा, इसके दम पे हो रहा है और समाज का विकास हो रहा है। आज आपको भी जरूरी पड़ा है कि लड़ाई लड़ना है। आज आप कोई नहीं दे रहा है, आप सबको मालूम है कि आपकी लड़ाई जो है निषाद को आरक्षण दिलाना। निषाद मतलब बिंद बेलदा नुनिया मलाक का सब सब हम निषाद के पूरी हैं। इस भारत में 312 नाम से हम जाने जाते हैं लेकिन हम सब निषाद हैं। और आपके बगल में दिल्ली चले जाइए, वहां पे निषाद को आरक्षण है एससी का और आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। बंगाल में चले जाइए, वहां पे निषाद को आरक्षण है एससी का लेकिन बिहार में नहीं है। तो हमारा मांग है कि जब देश का प्रधानमंत्री एक है, जब देश एक है, देश का जब संविधान एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो हमें जैसे दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है वैसे उत्तर प्रदेश में भी मिले, जैसे बंगाल में मिले वैसे हमारे बिहार में भी मिले। तो हमारी यही मांग है कि हमारे समाज को आरक्षण दो। और इसमें लोगों ने समय समय पर वादा करते हैं, चुनाव के समय में वादा करते हैं, बंद कमरे में नेता को मैनेज कर लेते हैं, एको टिकट देखो दो को टिकट दे देते हैं या कुछ पैसा दे देते हैं, नेता को मैनेज कर लेते हैं और ये समाज फिर वहीं का वहीं चला जाता है। आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा और आपके आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज तो आपकी जिंदगी आधे से ज्यादा कट चुका है। आज हमारी 42 साल की उम्र है, 35-40 साल और रहेंगे, लेकिन हमें हमारे आने वाले कल उनके लिए लड़ाई लड़ना है। और उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए थोड़ा थोड़ा ही सोचना पड़ेगा। अभी बहुत सारा साथी यहाँ पे बैठे होंगे कि बाप रे इतना बड़ा पार्टी है बीजेपी, इतना बड़ा पार्टी है सपा, उससे कैसे लड़ेंगे, ये मन में सोचते होंगे। लेकिन लड़ाई में तो दो ही चीज होता है, आप लड़िएगा तो दो ही चीज होगा, या जीत या हार, तीसरा कुछ भी नहीं होने वाला। आप लड़ाई लड़के तो देखिए, आज जीतिएगा चलिए हार हार गए, कल जीतिएगा कल भी हार गए, परसों लड़ाई लड़िए परसों जीतिएगा। जीत तो जिसके पास ज्यादा संख्या है उसी का होगा। आज योगी जी 3% वाले, उनकी जीत हो गए सरकार बन गया, या 2% 5% वाले लोग अपना सरकार बनाता है। हमारे पास तो 14% संख्या 15% है। आपको भी पता है ना कि जिसके पास ज्यादा वोट होगा वही जीतेगा। तो हमें लड़ाई लड़ना है। और यही उत्तर प्रदेश की धरती पर काशीराम जी ने कहा कि एक इंसान को 3 बार चुनाव लड़ना है, एक बार समझने के लिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, दूसरी बार कि हराने के लिए। जब आप लड़ने लगेगा तो सामने वाला हार जाएगा। कि जो लोग समझता है कि निषाद कश्यप का वोट हमारा जागीर है, ऐसे लोगों को हारना पड़ेगा। तो यानी कि दूसरी बार हारेंगे और तीसरी बार हम जीतेंगे। जब आप तीसरी बार उसको हरा दीजिएगा तो दूसरी बार, तो तीसरी बार आपसे दोस्ती कर लेगा। हमने बिहार में क्या किया, पहली बार हम चुनाव हारे, फिर बिहार में चुनाव आया 19 में ही उपचुनाव, और हमने एक सीट पर चुनाव लड़ा और एक सीट पर हमने 25,000 मत लाया और उसके कारण वहां पे बीजेपी जेडीयू का प्रत्याशी हार गया। उनको पता चल गया कि ये कल तक जो हमको वोट देता था अब वोट हमको नहीं दे रहा है, अभी सनप मल्ला को देने लगा है, भैया आप जब भी हम लड़ेंगे तभी ये मुकेश सहनी हरा देगा। फिर 2020 का चुनाव आया, हम मैदान में बोले अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो सामने से हमारे पास आया
कि आप ऐसा नहीं कीजिए, आप हमसे दोस्ती कर लीजिए, गठबंधन कर लीजिए। जब सामने वाले को हार का डर हुआ तो आपसे गठबंधन कर लिया, जब गठबंधन कर लिया तो कुछ सीट वो भी जीता, कुछ हम भी जीते, तो आपको हराना पड़ेगा। जब आज हराएंगे तो फिर कल वो हाथ आपको फैलाएंगे, कल जाके 2024 से पहले आपको आरक्षण लागू करेंगे। आज तो मोदी जी के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्य में चुनाव है, उनके लिए तो कोई एक राज हारेंगे जीतेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका दिल्ली उनके पास सजा रहना चाहिए। और 2 साल के बाद दिल्ली के लिए चुनाव है, जब दिल्ली के लिए चुनाव होगा, जब आज हरा दीजिएगा तो दिल्ली के चुनाव के समय में आपके सामने में हाथ जोड़ेगा कि आप हमारे साथ आ जाइए। और जब बात करेगा आने की तो आप बोलिए कि पूरे भारत में 50 को लोकसभा सीट चाहिए, पूरे भारत में निषाद को आरक्षण लागू करना है। और जब वो लड़ेगा तो आपका बात करेगा। आज देखिए आपने पश्चिम में हमारे किसान भाई ने आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, 700 लोगों का जान भी चला गया, लेकिन डटे रहे। और जब डटे रहे तो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, वो देखें कि ये किसान भाई ट्रैक्टर पलट देंगे। उन्होंने भारत सरकार को 4 कदम पीछे लिए और कृषि कानून को वापस करना पड़ा। ये क्यों किया? क्योंकि किसान भाई ने ताकत से लड़ाई लड़ा, इसलिए उन्होंने किया। तो आज आप भी आप लड़ाई लड़िएगा ताकत से, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में 2 साल में दिल्ली की सरकार आपके सामने में हाथ फैलाएगा और आपसे दोस्ती करेगा। ना करे 2024 में दोस्ती, फिर लड़ेंगे, फिर हराएंगे। जब सत्ता से बाहर होगा तो फिर तीसरी बार सत्ता माने के लिए आपसे दोस्ती करेगा। आज भी उत्तर प्रदेश में दोस्ती किया, आपके समाज से दोस्ती किया, डॉक्टर संजय निषाद जी से, निषाद पार्टी से गठबंधन किया, लेकिन सिर्फ दिखावा वाला गठबंधन है, सच्चाई में गठबंधन नहीं है। एक बार बेटा को सांसद बना दिए, दूसरी बार खुद MLC बन गए और तीसरी बार अभी खुद भी बेटा को फिर से विधायक बना रहे। अपना पार्टी अपना दल रहते हुए दूसरे के पार्टी से बेटा को, बीजेपी के पार्टी से बेटा को विधायक बना रहे। आप बताइए, ये कहीं ना कहीं समाज को बेच दिया। आज हम सबको मिलकर लड़ाई लड़ना चाहिए। आज मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ, क्या मेरे लिए आया हूँ? नहीं। क्या मुझे यहाँ विधायक बनना है? क्या मुझे यहाँ पे मंत्री बनना है? हम तो ऑलरेडी बिहार में विधायक मंत्री हैं, और मैं भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं बिहार का वोटर हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ कि हमें पता है कि पूरे भारत में निषाद बहुत कमजोर है, गरीब है, लाचार है, और उनके हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए आए। आज हम तो BJP के साथ पार्टनर है, हम उनके साथ बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन मैं उनको लड़ाई लड़के उनको हराने के लिए आया हूँ कि दिल्ली की सरकार से हमारी लड़ाई है कि हमारा आरक्षण करो, नहीं तो हम आपको सत्ता से बाहर करेंगे। ये लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, तो इस लड़ाई में आप लोगों को साथ देना है। हम लड़ाई लड़ने के लिए आए कि जब दिल्ली पे चढ़ाई करना पड़े तो बिहार से आने में अगर 20 घंटा लगेगा तो आप 6 घंटे में दिल्ली पहुंच जाइएगा और हम अपनी लड़ाई को जीतेंगे। इसलिए मैं आप उत्तर प्रदेश में मैं आया हूं कि आपका साथ चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जिसका भी सरकार बनता है उत्तर प्रदेश से होके सरकार बनता है, और उत्तर प्रदेश का दरवाजा जिसके लिए खुलता है उसी का दिल्ली में सरकार बनता है। और जिस रोज बिहार के निषाद, उत्तर प्रदेश के निषाद और झारखंड के निषाद भाई बिन बेलदार रोनिया मला कश्यप लोधी एक हो जाएगा, उस रोज दिल्ली पे हम चढ़ाई कर देंगे और अपने हक अधिकार को ले लेंगे। इसके लिए क्या करना है? ना लाठी लेके जाना है, ना भोरसा लेके लड़ाई लड़ना है। इसके लिए तो समय पे आने पे ABM पे बटन दाब पे अपने प्रत्याशी को जिताना है। और आज तक हमने हर किसी को चुनाव में वोट दिया, कभी सपा को दिया, कभी बसपा को दिया, कभी BJP को दिया, कांग्रेस को दिया। अभी जो समय आ गया है उसके पास जाइए, उनको बताइए कि कल तक हमने आपको मदद किया, हमने आपको वोट दिया, इस बार हमारी पार्टी है, हमारी नाव छाप है, हमारे पास प्रत्याशी है, इस बार हमको वोट दिलाइए और दीजिए। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपके अपने हैं या पराए हैं। और कुछ नहीं, आप अपने वोट का गिनती कराइए। पूरे प्रदेश में लगे कि VIP पार्टी के पास 25 लाख वोट है,
ताकि अगले आने वाले चुनाव में आपका हर बात को मानेंगे, कंडीशन को मानेंगे और आपके लिए काम करेंगे। और अच्छे से लड़ाई लड़िएगा तो चुनाव भी जीता जा सकता है।